Hello everyone, respected parents, guardians and all dear my countrymen. I am Danish Khan, admin of St. Joseph School, Sultanpur. जैसा कि हम सभी जानते हैं पूरा वर्ल्ड कितनी परेशानियों से गुजर रहा है, जिसकी वजह से सारी चीजें थम सी गई, रुक सी गई। लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों से, गार्जियन से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, ताकि उनकी पढ़ाई किसी भी तरीके की रुके नहीं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक चीज़ मुझे बड़ा परेशान कर रही है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फीस माफी को लेकर। देखिए, किसी की भी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसके बच्चे, उसका परिवार, उसके माता पिता, उसकी धन दौलत, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? 5 से 10 मिनट के लिए बच्चा आपका घर के दरवाजे पर खेलने के लिए चला जाता है, बच्चे की मां परेशान होना शुरू हो जाती है कि कहीं कोई अजनबी मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना कर दे, किसी अजनबी से ना मिल जाए। लेकिन वहीं आप अपने बच्चे का एडमिशन जब प्ले ग्रुप में या नर्सरी में ले लेते हैं 4 से 5 साल की उम्र में अमूमन, तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में है, वहां कुछ नहीं हो सकता, उसका टीचर देखने के लिए वहां पर है। बेफिक्र रहते हैं कि टीचर्स अपने बच्चों को किताबी नॉलेज नहीं बताते, साथ ही साथ उनको जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं, कैसे किसके साथ बात करनी है, छोटों के साथ कैसे रहना है, बड़ों के साथ कैसे रहना है, मैनर्स सिखाते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं। जब कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करता है या कोई अच्छा गोल स्कोर करता है, तो जितनी खुशी उनके पेरेंट्स को होती है, उससे कई गुना ज्यादा खुशी उनके टीचर्स को होती है। वो कहते हैं ना कि मदर्स गिव्स अ बर्थ बट टीचर्स गिव द वर्थ। अगर माँ जन्म देती है तो टीचर्स उनको रास्ता दिखाते हैं, जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में भी टीचर्स पूरा एफर्ट दे रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, वीडियो कॉल के थ्रू हो, कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा एफर्ट दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में कि बच्चों की पढ़ाई में किसी तरीके की रुकावट ना आए, इस ऑनलाइन पढ़ाई का किसी भी टीचर्स को किसी भी तरीके का नॉलेज नहीं है, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर्स पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि अपने बच्चों को कितना बेस्ट करके दे दें, कितना अच्छा करके दे दें। तो आप सबसे, बच्चों से, पेरेंट्स से, गार्जियन से रिक्वेस्ट है, प्लीज टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें, और आप सब अपना ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें। इस लॉकडाउन में बाहर निकलने की कम कोशिश करें, लोगों से कम मिलने की कोशिश करें। शायर ने कहा है, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इस एहतियात से ताल्लुक मर नहीं जाता। तो प्लीज लोगों से कम मिलने की कोशिश करें, भीड़ भाड़ में जाने की कम कोशिश करें, अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।